हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीटॉक ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों को आलू के लच्छा नमकीन बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये नमकीन आप किसी भी फास्ट में बना के खा सकते हैं, खास करके नवरात्र में जब 9 दिन का हम फास्ट रखते हैं और फ्रूट्स या साबूदाना खा के परेशान हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप ये नमकीन बनाइए और खाइए। ये नमकीन बना के खाइए, इसको खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हर रोज़ नए मज़ेदार रेसिपी के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं। इसको धो लिया है और धो कर देखिए मैंने पानी में ही रखा है। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो आलू काले पड़ने लगते हैं, तो इसलिए मैंने पानी में रखा है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सिंगदाना ले लिया है और थोड़ा सा काली मिरी है और थोड़ा सा सेंधा नमक है। ये फास्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो सादा नमक आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आलू को हमें ग्रेट करना है, तो मैंने ये ऐसे डब्बे में पानी ले लिया है और मेरे पास ऐसे मोटे दाने वाला है, तो आप मोटे दाने वाले उसे ही ग्रेट कीजिए ताकि आलू के स्लाइस जो हैं वो बड़े बड़े निकलेंगे। अब इस पे हम आलू को, सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को इस तरह से पूरा ग्रेट कर लिया है और अब इसको हम 5 से 6 बार धो लेंगे ताकि इसके अंदर का जो भी स्टार्च रहेगा वो निकल जाएगा। 5 बार मैंने पानी में धो लिया है और देखिए पूरा स्टार्च निकल गया है। तो अब इसको हम एक ऐसे भगोने पे, मैंने छन्नी रख लिया है और अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी ताकि जो भी पानी है वो पूरा अच्छे से इसका निकल जाए। तो इस तरह से ये पूरा पानी निकल जाएगा। तो अब इसको मैं थोड़ी देर इसी में रहने दूंगी ताकि इसका जो भी पानी है वो पूरा निकल जाए। ये देखिए इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल गया है। अब मैंने यहाँ पे एक किचन टॉवल ले लिया है, इस पर मैं ये सारे आलू के लच्छों को ऐसे फैला दूंगी। और अब मैं एक और टॉवल ली हूँ और इस टॉवल से मैं इसको पोंछ लूँगी तो सारे पानी जो है हमारे पूरे निकल जाएंगे आलू के। अच्छे से पोंछना है। टॉवल में अच्छे से इसको पोंछ लिया है और इसका पानी निकल गया है, तो अब इसको हम चलते हैं डीप फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख लिया है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल मीडियम हीट हो जाए, जैसे आपके हाथों में हीट आने लगे तो समझिए तेल गर्म हो गया है, तब हम इसको डाल के और फ्राई करेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा पीस मैंने डाला, देखिए तेल गर्म हो गए हैं। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको करेंगे फ्राई। अभी जब तक इसमें ऐसे ऊपर ऊपर बबल्स आ रहे हैं तब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं। अब इसके देखिए ऊपर जितने भी झाग जैसे बबल्स आए थे वो सारे कम हो गए हैं, तो अब हम इसको चलाएंगे और अब ये फ्राई होने लग गया है। तो आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जब आपको लगे कि तेल ज़्यादा ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा हाई कर दीजिए और फिर आप मीडियम कर दीजिए। आलू देखिए आधे से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हमें इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे। तो ऐसे निकाल के इसी में एक छन्नी पे रखिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए।
आलू के लच्छे हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, तो अब इसमें मैं सिंगदाना डाल के और इसको भी फ्राई करूँगी। सारे आलू के लच्छे को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं एक बार में, और अच्छे से वो फ्राई हो जाते हैं। अब सिंगदाना भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। सिंगदाना भी हमारा फ्राई हो गया है, तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। अब एक बाउल में मैंने ये सारे जो हमने आलू के लच्छे को फ्राई किया था वो डाल दी हूँ, उसमें मैं सिंगदाना डाल रही हूँ फ्राई करके। फिर इसमें मैं सेंधा नमक डालूँगी, स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे। मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने काली मिरी लिया है, ये भी 1/2 चम्मच डालूँगी। अगर आपको पसंद हो तो डालिए। और थोड़ा सा मैंने कढ़ी पत्ता को उसी तेल में फ्राई कर लिया था, तो ये भी डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है मिक्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं, तो हाथों पे ऐसे देखिए। तो ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से आप बना के और एयरटाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अब मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।